हेलो एवरीवन, लेट्स वी आर डिस्कस अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन में हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, अब हम फंक्शन पर मूव कर चुके हैं। फंक्शन की भी दो वीडियो आप तक अपलोड किए जा चुके हैं। इसके बाद हम फंक्शन को पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम पढ़ रहे थे HLT, VLT, HLT हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट और VLT वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम पढ़ रहे थे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली फंक्शन की चेक करने के लिए होता है कि जो हमको दिया हुआ है क्या वो फंक्शन है या नहीं है। और हम VLT पढ़ रहे थे, VLT जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम केवल आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे फंक्शन का। तो हमने कुछ ग्राफिंग मैपिंग के थ्रू जाना था, अब हम ग्राफ के थ्रू जान रहे थे। तो ग्राफ में हमने एक दो फंक्शन के देखे हुए थे जो कि y=x² पैराबोला के, और log x का भी हमने देखा था कि क्या वो फंक्शन है कि नहीं वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू। आइए और अधिक टेस्ट लगाते हैं और समझते हैं कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। आइए देख रहे हैं। जैसे कि एक ये पहले तो हम देख लें क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन। फंक्शन का मीन होता है फलन, जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं फंक्शन को। अब फंक्शन का हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन, किसके थ्रू? VLT के थ्रू। VLT जो कि हमारा टेस्ट है, VLT उसके थ्रू पढ़ रहे हैं। VLT के थ्रू पढ़ रहे हैं। अब VLT क्या है? ये VLT है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है एक दो एग्जांपल से भी देखा था। आइए और अधिक एग्जांपल देखते हैं इस VLT के थ्रू। VLT के थ्रू VLT का टेस्ट है। एक हमको ऐसे ही कोई दिया हुआ है y² = x, ये दिया हुआ है y² = x। तो ये क्या है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। उसके थ्रू ग्राफ के बाद हम टेस्ट लगाएंगे, तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन दिया हुआ है या ये है एक्चुअली पैराबोला का है, पैराबोला फंक्शन का पैराबोला। तो हम ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या है इसका ग्राफ? तो ये है y² = 4x टाइप का, कुछ इस टाइप का है। तो ये इसका ग्राफ है, ये है y² = x का ये ग्राफ लिया हुआ। तो अब हम इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट जो कि टेस्ट है वर्टिकल VLT को टेस्ट लगाएंगे और एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। यदि यह है इस y = x को एक बार कट करेगी तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन है y² = x हमारा फंक्शन है। यदि एक से ज़्यादा या वन मोर देन होगा तो हम कह देंगे ये हमारा फंक्शन, दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो अब हम देखते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। तो हम एक लाइन खींच रहे हैं, ये देखते हैं। देखिए ये लाइन फंक्शन को दो जगह पर कट कर रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो ये तो वन मोर है, तो एक से ज़्यादा जगह कट कर रही है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन नहीं है y² = x, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद हम अदर्स फंक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी कई सारे होते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। जैसे कि एक तो ये y = मैंने मान लिया कि दूसरा कोई हमारे पास है sin x,
आपने पढ़ा होगा बाई बाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं और उस पर टेस्ट लगाते हैं, VLT टेस्ट लगाते हैं, क्या उससे हमको मिल रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन का ग्राफ 0 पर 0 वैल्यू देता है, ये हमारा बाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये हमारा टेस्ट है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स का, जो हमको ये ग्राफ दिया हुआ है। तो अब हम इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू देखेंगे, क्या ये हमारा फंक्शन है, क्या ये हमारा फंक्शन है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आइए देखते हैं, कहीं पे भी कट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक ही जगह पर कट कर रहा है, कहीं पे भी आप यहाँ 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 कहीं पर भी आप कट करके देख लीजिए, एक ही जगह पर कट कर रहा है हमारे इस ग्राफ को। तो हम कहेंगे कि दिस इज़ अ फंक्शन, हम कह देंगे बाई इज इक्वल टू साइन एक्स इट इज़ अ फंक्शन, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। हम कह देंगे कि ये हमारा फंक्शन है, बाई इक्वल टू साइन एक्स इज द फंक्शन। तो आगे देखते हैं और भी इसी तरह से आप वाई इक्वल टू कॉस एक्स और अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी देख सकते हैं, आप सर्कल को भी देख सकते हैं। जैसे सर्कल है, क्या ये सर्कल होगा, क्या वो हमारा फंक्शन होगा, भाई देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है एक्स इज इक्वल टू बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये है, ये ग्राफ है, ये जो लिखा है इसका ग्राफ बनता है गोले सर्किल का। सर्किल का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो अब क्या ये हमारा फंक्शन है, क्या ये हमारा फंक्शन है, तो इसको भी हम वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये ग्राफ को एक ही जगह कट कर रहे हैं, एक से अधिक बार, वन मोर देन कट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू, हमने एक लाइन खींची, ये देखिए दो बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, दो दो बार कट कर रहा है, इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। हम कहने के ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसी प्रकार से आप और भी कई सारे ऐसे ग्राफ बनाकर आप ये टेस्ट लगा सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं इसको। एक्चुअली ये सब जो दिए हुए हैं HLT VLT, जो ये HLT दिया है HLT एंड जो सेकंड नंबर पे टेस्ट है वो है VLT। तो ये HLT VLT जो भी हैं ये सब, ये सब इनको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड, इनको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इनको ग्राफिकल मेथड है और ये मोर यूज़फुल भी हैं। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का क्लासिफिकेशन करना है, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। क्लासिफिकेशन से पहले मैं आपको जो कि पीरियोडिक फंक्शन भी होता है तो वो हम क्लासिफिकेशन के बाद देखते हैं, पीरियोडिक फंक्शन और ये पीरियोडिक फंक्शन क्या है ये सब आगे देखेंगे। इसके पहले हम पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन, हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। क्लासिफिकेशन क्या होता है देख लीजिए, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब है फलनों का प्रकार,
कलनों के फलनों के प्रकार, फलन कितने टाइप के होते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन का मतलब है। तो देखिए फलन बेसिकली फोर टाइप के दिए हुए हैं हमारे सिलेबस में, 12th क्लास के हिसाब से फोर टाइप का दिया हुआ है। फंक्शन है वन वन, मैनी वन, वन टू, इन टू, ये सब हमारे फंक्शन है। आइए क्लासिफिकेशन के थ्रू देखते हैं इन फंक्शंस को। तो देखिए क्लासिफिकेशन के थ्रू हम देख रहे हैं फंक्शन। तो देखिए फंक्शन दिए हुए हैं फोर टाइप के, कौन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट टाइप दिया हुआ है फंक्शन का, वो दिया है वन वन। पहला फंक्शन है वो है वन वन। जो हमको दूसरा दिया है वो दिया है मैनी वन। पहला फंक्शन दिया है वन वन, दूसरा दिया है मैनी वन, तीसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है ऑन टू, ऑन टू, तीसरा दिया है हुआ है ऑन टू, और चौथा फंक्शन जो कि दिया हुआ है फोर्थ फंक्शन वो है इन टू, इन टू फंक्शन। तो ये सब दिए हुए हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू, ये सब फोर टाइप के फंक्शन आते हैं। इनको हिंदी वाले भी देख लें, जो कि यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड्स वाले हैं वो देख लें। इस इनको वन वन को हिंदी में बोलते हैं एक एक ही, इसको बोलते हैं एक एक ही। आपको जानना ज़रूरी है एक एक ही क्या होता है, इसलिए इसको एक एक ही बोलते हैं। और मैनी वन, मैनी वन को बोलते हैं बहु एक एक ही, बहु एक एक ही। बहु एक एक ही बोलते हैं, ये हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा लेकिन इंग्लिश में बराबर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में सरल पड़ता है, याद रखने में भी सरल होता है। और ऑन टू, ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक, और इसके बाद ही इन टू, इन टू को बोलते हैं अंतःक्षेपी। ठीक है, ये सब है फंक्शन का क्लासिफिकेशन। ये हमारा फंक्शन का हो गया क्लासिफिकेशन। अब इनके बारे में एक एक करके सब जानते हैं कि क्या है। तो हमको देखना है कि फंक्शन का ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसमें हमको चेक करना है क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है वह वन वन है कि नहीं है। और तो ये सब हमको चेक करना है कि ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन में जो वन वन है कि एंड इन टू है कि ऑन टू है, मैनी वन है, ये सब हमको चेक करना पड़ता है। दो सेट दिए होंगे, तो आइए देखते हैं इनके बारे में चेक करना क्लास, इनका क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन फंक्शन का। तो पहले नंबर में जो हमको जो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, कोई हमको एक फंक्शन का दिया हुआ है, ये दो सेट दिए हुए हैं, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ये दिए हुए हैं, पहले में दिया हुआ है वन टू थ्री, दूसरे में ए बी सी। देखिए फंक्शन की ग्राफिंग की गई कुछ इस तरीके से है, टू का सी के साथ है, ये एरो लगा होना जरूरी है, और थ्री का ए के साथ है, थ्री का जो है वो ए के साथ में मैपिंग है, इसका भी एरो लगा होना जरूरी है, एरो बहुत ज़रूरी है, थ्री का जो है वो ए के साथ है। तो देखिए
एवरी एलिमेंट ऑफ ए द इमेज, जो बी नंबर का जो सेट है, बी सेट है उसमें देखिए ए नंबर के जो ए नंबर का जो सेट दिया हुआ उसके एवरी एलिमेंट का सेट बी के एवरी एलिमेंट के साथ एक के साथ एक का ही कनेक्शन है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन वन वन हो गया। एक की इमेज एक के साथ ही है तो ये वन वन हो गया, ये फंक्शन हमारा वन वन है, ये फंक्शन हमारा जो है वन वन है, ये फंक्शन हमारा वन वन है। और देखिए, और ये फंक्शन क्या ऑन टू है कि इन टू है, तो ये भी हम अगले उसमें चेक करेंगे। अभी हम खाली अभी हम फिलहाल वन वन मैनी वन चेक कर रहे हैं, इसके बाद हम आगे ऑन टू इन टू भी चेक करेंगे। आइए देखते हैं। और एक और ये दूसरे नंबर का हमको दिया गया, इसमें हमसे पूछा गया है दूसरे नंबर का एक सेट है, पहला सेट ए होगा दूसरा सेट बी होगा, ये हमारा सेट ए है ये हमारा सेट बी है, पहला सेट ए है दूसरा सेट बी है, इसमें दिया हुआ है वन टू थ्री, इसमें दिया है ए बी। इसके देखिए वन का जो इमेज है और टू का भी इमेज यही है, तो ये देखिए इसमें जो टू एलिमेंट हैं उन्होंने पेयरिंग की है, उनकी इमेज बनी हुई है, लेकिन यहाँ देखिए दो की इमेज भी ए है और वन की इमेज भी ए ही है, यहाँ पर दो दो एलिमेंट की इमेज ए ही में ही बन रही है, इसलिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया मैनी वन। इसमें एक से अधिक वन मोर देन है तो ये हमारा फंक्शन हो गया मैनी वन, तो ये हमारा फंक्शन हो गया मैनी वन। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स को देख सकते हैं, जैसे कि देखिए और भी एग्जांपल को देख ले रहे हैं, बस इसी टाइप के होंगे, जैसे कि एक और ले ले रहे हैं, कोई ए है ये कोई बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे वन है यहाँ टू है, यहाँ पे ए है बी है, तो भाई टू का इमेज एक के साथ है, एक का इमेज बी के साथ है, तो आप लोग अब ये आसानी से बता ही सकते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप का होगा। आई ओबियसली ये फंक्शन वन वन होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा ये। तो भाई इस प्रकार से वन वन और मैनी वन फंक्शन का क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में अब हम उसके ऑन टू इन टू के बारे में भी जानेंगे, और इसके बाद हमको पढ़ना है वो पढ़ना हुआ है हाँ ये सब ऑन टू इन टू के बारे में देखना है, ऑन टू इन टू कब होगा ये सब हमको चेक करना है, ऑन टू कब होगा इन टू कब होगा ये सब हमको चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और HLT टेस्ट के बारे में भी देखेंगे कि HLT टेस्ट कब लगता है, तो इन सबको चेक करने के लिए ग्राफिकल मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट ग्राफिकल मेथड बोलते हैं HLT और VLT को। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम फुल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।